दोस्तों आज गोभी की सब्ज़ी खाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, तो गोभी बची हुई थी तो रखे रखे मैंने कहा इसे आज कुछ अलग तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने गोभी के बड़े बड़े पीस कर लिए और उस पर यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया और थोड़ी देर के लिए मैं इसे भीगने के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो इसमें गंदगी है सारी निकल जाए। और थोड़ा मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल के पानी को अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पे। पानी मिला के देखिए हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ के रख दूँगी ताकि इसकी सारी जो गंदगी धूल बैठी हुई होगी वो सारी निकल जाए। अब मैं देखिए इसे कद्दूकस कर लूँगी यहाँ पे जो पीस बनाए हुए हैं। कढ़ाई पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले लिया है, इसमें अजवाइन डाल दूँगी। अजवाइन जो होता है थोड़ा गर्म होता है तो उससे स्वाद भी और अच्छा हो जाएगा। और हरी मिर्च भी डाल देंगे थोड़ी सी स्वाद के अकॉर्डिंग, अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा डालिए वरना कम डाल लीजिए। और थोड़े मसाले ऐड कर लेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पे सारे मसाले लिए हुए मैंने हल्के हल्के, नमक थोड़ा सा कम डालेंगे, थोड़ा सा हमने पहले गोभी पे भी डाला हुआ है, हल्का हल्का नमक उस पर भी होगा और इन्हें अच्छे से चला लेंगे। सारे मसालों को हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और देखिए यहाँ पे मैंने शेजवान चटनी ली हुई है, आज कुछ अलग तरीके से मेरा मन कर रहा था खाने का तो मैंने शेजवान चटनी बना के यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसी बनती है हमारी ये। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी यहाँ पे। तो देखिए पक गई यहाँ पे, कितनी बढ़िया बन के तैयार हो रही है। देखिए मैंने यहाँ पे आटा ले लूँगी लोई बना के, अब थोड़ा बड़ा बड़ा करके यहाँ पे बेल लूँगी। और जो यहाँ पे गोभी को हमने अच्छे से पेस्ट करके मसाले रख के पकाया हुआ है इसकी स्टफिंग कर लूँगी। और अच्छे से इसके चारों कोनों को दबा के बंद कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे इन्हें हल्के हल्के करके बेल लेना है। देखिए हल्के करना है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है तो किनारे से थोड़ा सा ही निकल गया है। देखिए अब हम इसे पलटा लेंगे और इस पर देखिए घी या आपको जो तेल पसंद हो, घी हमने यहाँ पे गला के डाल दिया है थोड़ा सा, ज़्यादा घी भी यूज नहीं करेंगे, हल्के हल्के घी में हम इन्हें बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पराठा बनके तैयार हो गया है, आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, दही के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।